हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे हल्दी के प्लांट्स हैं और इनके पत्ते बिल्कुल सूखे पड़ चुके हैं। तो इनसे ये पता लगता है कि अब ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जिस समय इनके पत्ते सूखने लगते हैं तो हमें पानी बहुत कम देना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और हम अब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी हल्दी प्राप्त हुई है। तो पहले हम इनकी पत्तियों को इस तरीके से काट लेंगे और जो हमने सपोर्ट दिया हुआ था उसको भी हटा देंगे। इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि जो ग्रो बैग है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं अकेले पर तो उठा नहीं सकती हूँ। तो मैं पहले इसकी मिट्टी निकालूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि हमें कितनी हल्दी मिली है। तो लीफ को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है हटा करके इसमें डालते जाएंगे और जब हल्दी निकलनी शुरू दिखाई देगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद जितनी हल्दी हमें मिली है वो भी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि इस बार में लगाकर बाहर चली गई थी 3 मंथ के लिए, तो ज़्यादा केयर नहीं हो पाई थी। उससे पिछली बार मुझे बहुत अच्छी हल्दी मिली थी। तो देखिए, हल्दी दिखनी शुरू हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी गांठें आती हैं, आपको दिख रही होंगी। ये इधर भी है, उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी। तो अब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, इसकी सारी मिट्टी हटाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि हल्दी किस तरीके से आती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा गमला है, इसमें भी मैंने थोड़ी सी हल्दी लगाई थी, तो ये भी मैंने नीचे उतार लिया है और इसकी सूखी पत्तियों को काट दिया है। तो इसको भी हम आज हार्वेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें छोटे गमले में कितनी हल्दी मिली है। मुझे लगता है हमें हल्दी जैसे प्लांट्स के लिए बड़ा ग्रो बैग ही लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खुला स्पेस होगा उतनी ही हमें हल्दी अच्छी मिलेगी। तो मैं भी आपको दोनों में दिखाती हूँ कि कितनी कितनी हल्दी हमें मिली है। तो ये देखिए, इसमें एक ही प्लांट था हल्दी का, तो इसमें हमें एक गांठ से इतनी हल्दी मिली है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। और हमें हमेशा बड़े ग्रो बैग में ही हल्दी लगानी चाहिए। ये देखिए, बड़े ग्रो बैग की हल्दी है और इसमें हमें अच्छी खासी हल्दी मिली है। हमने केवल इसमें हल्दी की 2 गांठें लगाई थी और ये हल्दी हमें मिली है। ये देखिए, इनको हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और फिर इसको हम काम में लाएंगे। चाहे तो इसका अचार बनाएंगे या हम दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी मेरी आज की हार्वेस्टिंग और इतनी अच्छी हमें हल्दी मिल गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो हल्दी की हार्वेस्टिंग का। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसको अप्रैल में लगाना चाहिए और कम से कम 8 से 10 महीने में ये तैयार हो जाती है। तो बताइएगा आपको मेरी हल्दी की हार्वेस्टिंग कैसे लगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।